आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रामगढ़ताल पुलिस के द्वारा होटल चेकिंग के दौरान एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। साथियों ने पुलिस पर पिटाई से मौत का लगाया आरोप। एसएसपी ने की कड़ी कार्रवाई। रामगढ़ताल थाना प्रभारी सहित 6 पुलिस कर्मियों को किया निलंबित। एसपी नॉर्थ को सौंपा जांच। मृतक के परिजनों ने शव को लेने से किया इनकार। कहा आरोपी पुलिस कर्मियों पर दर्ज हो हत्या का मुकदमा। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को किया गया स्मार्टफोन का वितरण। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। जनपद में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने वितरित किए स्मार्टफोन। कहा अब पोषण ट्राई कर ऐप पर होंगे आंगनवाड़ी के सभी कार्य। बूथ स्तरीय घर घर संपर्क अभियान के तहत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने महानगर के गीता नगर मंडल में किया घर घर जन संपर्क। कहा 2022 में दोबारा बनेगी भाजपा सरकार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि उत्पादन आयुक्त तथा अपर मुख्य सचिव कृषि की अध्यक्षता में आयोजित की गई राज्य स्तरीय रवि उत्पादकता गोष्ठी। कहा किसानों को समय से उपलब्ध कराएं खाद बीज जिससे बढ़ाई जा सके किसानों की आमदनी। 17वें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्थापना दिवस पर भारत सरकार के गृह मंत्री की उपस्थिति में वर्चुअल एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। 2021 महामारी और बाढ़ में काम करने वाले जनपद के 67 आपदा मित्र व 23 आपदा सखियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों के 2 दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन मनरेगा और पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की दी जानकारी। डीएम और सीडीओ ने कहा प्रशिक्षण के माध्यम से ग्राम प्रधानों को शासन के विभिन्न योजनाओं से कराया गया अवगत जिससे गाँव का हो सके समुचित विकास। मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 117 केंद्रों पर 37,327 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। पहली डोज लेने वालों में 25,373 और दूसरी डोज लेने वालों में 11,854 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कृषि एवं अन्य विभागों की समीक्षा बैठक। रबी फसल के लिए खाद और बीज उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई शिक्षक प्रकोष्ठ गोरखपुर क्षेत्र का परिचय बैठक। कहा शिक्षक होते हैं समाज का आईना। लोगों को बताएं सरकार की उपलब्धियां। प्रदेश में दोबारा बनाएं भाजपा सरकार। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिमा त्रिपाठी ने धर्मशाला बाजार वास्तन रोड पर 8 खाद्य प्रतिष्ठानों पर मारा छापा। सर्वे सैंपल किया एकत्रित। गुणवत्ता जाँच हेतु सैंपल को भेजा प्रयोगशाला को। गोरखपुर में मंगलवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,417। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 12 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। वार्ड नंबर 62 सिविल लाइन द्वितीय में पाइपलाइन लगाने की मांग को लेकर स्थानीय नागरिकों ने सपा नेता के नेतृत्व में मंडलायुक्त को प्रेषित किया ज्ञापन। वाटर पाइपलाइन बिछाने की मांग। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने कार्य बहाल किए जाने को लेकर जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। और 3D रंगोली बनाने वाले उदय कुमार हुए सम्मानित। कहा बचपन से था चित्रकारी का शौक। लोगों के सहयोग से बना डाली सबसे बड़ी 3D रंगोली।